प्रिय भक्तों, आज हम आपको माँ शेरा वाली, माँ पहाड़ा वाली, माँ अम्बा देवी धारूर वाली माँ की एक प्यारी भक्त नैना की कहानी बताने वाले हैं। यह कहानी स्वयं नैना दादी ने बताई है। माँ के प्यारे भक्त रविंद्र को माँ अम्बा देवी की महिमा का अनुभव बताया तो हमने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है जो हम अंत में दिखाने वाले हैं। दर्शकों, माँ अम्बा देवी का विश्व में एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ सैकड़ों गुप्त गुफाएं हैं। मानवकालीन गुफाओं में देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। माँ दुर्गा का यह ऐसा मंदिर है जहाँ संकल्प लेकर पूर्णिमा की 5 यात्राएं करने से मनोकामना पूर्ण होती। अम्बा देवी खोजकर्ता शक्तिपीठ मंगला माता के रहे अम्बा देवी दर्शन को जाने वाले सैकड़ों भक्तों की जुबानी बार बार सुनने को मिलती है। अम्बा देवी यात्रा करने पर घर से निकलते हुए भक्त की नैया तो पार स्वयं अम्बा माँ ही लगाती है। कई बार माता ने घने जंगलों में किसी न किसी रूप में आकर भक्तों की रक्षा की है। किसी को बिल्ली के रूप में आकर मंदिर का रास्ता दिखाया है तो किसी भूले को कुत्ता माँ अम्बा देवी के दरबार की ओर चलने के लिए प्रेरित करता था। किसी को नदी पार कराने वाली आदिवासी महिला अचानक से आ जाती है। माँ अम्बा के दरबार आने वाले घने जंगलों में हिंसक जानवरों के होते हुए भी आज तक किसी भक्त को कोई हानि नहीं पहुंची है। ये अम्बा देवी क्षेत्र सती मंगला योगिनी की तपोभूमि रही है। माँ मंगला देवी माँ अम्बा की अनन्य भक्त थी। वैसे तो माँ अम्बा देवी और उनके भक्तों से जुड़े सैकड़ों अनुभव है, लेकिन आज हम माँ अम्बा की प्यारी भक्त नैना देवी की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। माँ अम्बा देवी मावली पर श्रद्धा और आस्था रखने वाले प्रिय भक्तों, यह घटना आज से 15 वर्ष पुरानी है। 8वें विकास खंड की ग्राम पंचायत सामगी में एक धारूड़ वाली अम्बा देवी की प्यारी भक्त मैना रहती थी। उस वक्त मैना बाई के घर की स्थिति बहुत कमजोर थी। खाने के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए भी समय पर अनाज नहीं मिल पाता था। उसके 2 बेटे थे, चलाने के लिए मजदूरी करने जाया करते थे। जो मजदूरी कर लाते थे उसमें ही घर का खर्चा चलता था। जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी। वासुदेव और सुखदेव के पिता दिया जी और माता मैना की अम्बा देवी पर बड़ी श्रद्धा और आस्था थी। मैना बाई और उनके पति दिया जी हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन माँ अम्बा के दरबार पैदल चलकर जाते थे। अम्बा देवी माता का धारूड़ दरबार गांव से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, लेकिन जंगल से होते हुए जाने पर 15 किलोमीटर की बचत हो जाया करती थी। मैनाबाई के गांव से जाने वाला भक्तों का जत्था गांव भी ही राधाबाई का बहुत सम्मान करता था, क्योंकि राधाबाई ने ही गांव के भक्तों को अम्बा देवी दरबार से जोड़ा था। गाँव के सभी भक्त जानते थे कि राधाबाई और तपस्वी मंगला माता में बड़ी मित्रता है। जब भी गांव के किसी व्यक्ति को कोई समस्या होती, राधाबाई से अपनी यथाव्यथा सुनाते थे और राधाबाई अम्बा देवी की यात्रा जाने की सलाह देती थी। माँ अम्बा की प्यारी भक्त मैना अम्बा देवी की 2 यात्राएं महीने भर में अवश्य करती ही थी, इसलिए खाने और पानी पीने के बर्तनों को गाँव के भक्तों का टोला जन सहयोग से खरीदता था। सांगी गांव से जाने वाला हर भक्त अम्बा देवी धाम में कोई ना कोई बर्तन दान जरूर करता था। जब किसी भक्त की मनोकामना पूरी होती थी तो पूरे परिवार के साथ अम्बा देवी की यात्रा पर जाते और माँ अम्बा देवी की साड़ी और चुनरी भेंट कर उनकी पूजा अर्चना करते थे। सांगी गांव के लोगों के लिए माँ अम्बा देवी साक्षात कुल देवी का स्वरूप थी। जो चाहते माँ उनकी वह मनोकामना जरूर पूरी करती थी। माँ अम्बा देवी की कृपा से सब ठीक चल रहा था। एक दिन की बात है, दिनिया जी और गांव की राधाबाई के साथ भक्तजनों का जत्था माँ अम्बा देवी धारूड़ वाली के मंदिर के लिए निकल गया और घर पर मैनाबाई अकेली थी। मैनाबाई और दिनिया जी का छोटा बेटा सुखदेव गांव के पटेल मनसा के खेत में कुएं की खुदाई का कार्य चल रहा था, वहाँ काम कर रहा था। गांव के पटेल के खेत में कुएं को खोदने और गहरीकरण का काम चल रहा था, जो गांव से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर था। मजदूर कुएं के बाहर मटेरियल को बाहर फेंकने का कार्य कर रहे थे। मनसा की कुएं की खुदाई का कार्य बहुत अच्छे से चल रहा था। लच्छू भैया कुएं के ऊपर हर बार आवाज देते रहते थे कि सभी लोग हट जाया करो, जब मिट्टी ऊपर आते रहती है। लच्छू भैया की बात सभी ध्यान से सुनते थे। जब मिट्टी भरी टोकरी ऊपर आती तो सब लोग कुएं में एक साइड खड़े हो जाया करते थे, लेकिन उस दिन रबर की टोकरी ऊपर आ रही थी
और अचानक बेल्ट टूटने की वजह से वह टोकरी नीचे सुखदेव की पीठ पर जा गिरी। जैसे ही सुखदेव की पीठ पर मिट्टी भरी रबर की टोकरी गिरी, वैसे ही सुखदेव के मुंह से आवाज निकली, ओ माँ। पीठ से खून की धाराएं बह रही थी, जिससे सारे कुएं में रक्त ही रक्त नजर आ रहा था। इतनी बड़ी घटना को देख सारे मजदूरों के होश उड़ गए थे। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह हो कैसे गया। सारे मजदूरों ने मिलकर जैसे तैसे सुखदेव को कुएं से बाहर निकाला और उसके पेट व पीठ पर कपड़ा बांध दिया, जिससे रक्त का बहना काफी हद हो चुका था, यह पर पड़ा हुआ था। साथ के मजदूरों को यकीन नहीं हो रहा था कि सुखदेव अब जीवित रह पाएगा या नहीं। सब उसके पास बैठकर विचार कर रहे थे कि अब आगे क्या करें। रक्त बहुत बह चुका था, जिससे किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुखदेव के पिता दिनियाजी तो अंबादेवी दर्शन के लिए गए हुए थे और मैना माँ घर पर अकेली थी। तभी उसी समय दूसरे गांव के भद्दी भैया अपने गाय बैलों को टाके पे पानी पिलाने आए। जब भद्दी भैया ने सुखदेव की हालत देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मनसा और बाकी मजदूरों से कहा, इतना बड़ा हादसा हो चुका है गरीब के बेटे के साथ और तुम लोग इस लड़के को डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे हो और यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। कहीं मर गया यह लड़का तो जवाबदारी कौन लेगा। इतना सुनकर सब लोगों को लगा कि भद्दी भैया सही कह रहे हैं, तो उन्होंने बैलगाड़ी पर सुखदेव को सुला दिया और शहर के प्रख्यात डॉक्टर साहब के पास ले गए। इलाज रात्रि 10 बजे तक चलता रहा, फिर कहीं थोड़ी देर राहत मिली। उसके पश्चात सुखदेव को मनसा जी ने उनकी माता मैना के घर पर छोड़ दिया। जब मैना माँ ने सुखदेव को इस हालत में देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी, मेरे लाल को यह क्या हो गया। अम्बा देवी माँ से विनती करने लगी, माँ मेरे लाल की रक्षा करना, ये तेरे सहारे हैं, माँ तू ही पालनहार है। माँ मैना रोती रही और कहती रही, माँ मेरे बेटे को कुछ मत होने देना, करुणामयी है माँ। माँ अम्बा देवी धारुड़ वाली की मूर्ति के सामने बैठ गई और माँ अम्बा से सारी रात प्रार्थना करती रही। अगले दिन सुखदेव के पिता दुनिया जी भी अम्बा देवी माँ की यात्रा से वापस आ गए। जब दुनिया जी ने देखा कि उनके बेटे की बड़ी गंभीर हालत है तो वे अपने बेटे की रक्षा करने के लिए विनती करने लगे माँ अम्बा से, और अपने बेटे को जीवन दान देने के लिए अम्बा माँ का कोटि कोटि प्रणाम करने लगे। गाँव की ही राधा माँ भी सुखदेव के पिता दुनिया जी के साथ अम्बा दर्शन के लिए गई हुई थी। वे यात्रा से लौटते ही पहले सुखदेव के घर आई और उसकी माँ से पूछने लगी कि कैसी तबीयत है, कैसा क्या हो गया हादसा। राधाबाई सुखदेव की माँ को मौसी कहकर पुकारती थी। राधाबाई सुखदेव की माँ से कहने लगी कि मौसी, अम्बा देवी यात्रा के बीच माँ अम्बा ने मुझे ऐसा अनर्थ होने का दर्शाया था, किंतु मुझे लगा कि मेरे घर पर भी लड़के खेत में गए हैं काम करने, कहीं उनके साथ कुछ तो नहीं हुआ। तब मैना माँ ने राधा से पूछा कि माँ अम्बा ने कैसा क्या संकेत दिया, तुझे बताओ। तब राधा कहने लगी, जो होने वाला था वह तो हो गया, लेकिन अच्छा ही हुआ। इस तरह अम्बा देवी धारुड़ वाली माई की कृपा से सुखदेव को एक नया जीवन दान मिला। माँ अम्बा की कृपा से सुखदेव के पास एक छोटा सा खेत है और रोटी कमाने का व्यवसाय भी चल रहा है। गांव सांगी की राधाबाई और मैना देवी दोनों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इन दोनों की भक्ति और श्रद्धा की वजह से उन्हें माँ अम्बा देवी धारुड़ धाम का ऋषि मुनि आश्रम भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कथा को दादी मैना माँ के द्वारा और राधा माँ के द्वारा सुनकर ही लिखा गया है। अगर आपको भी इस संसारिक जीवन की भागदौड़ से मुक्ति मिल जाए तो अपनी दादी माँ से माता पार्वती भगवान शिव की लीला की चमत्कारी गाथा पूछे, साथ ही पास स्थित किसी दैविक तीर्थ की भी जानकारी ले और हमें बताएं। हम अवश्य ही आपकी माताजी की या आपके किसी दैविक तीर्थ की याद हजारों लोगों तक पहुंचाएंगे। साथियों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और साथ ही बेल आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।